तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आ रही है सांगी सीमेंट की तरफ से। अब गाइस, सीमेंट सीमेंट के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि आप लोगों के जब भी बिल्डिंग्स हो गया, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो गया, या कोई भी आप लोगों का घर वगैरह हो गया, तो आप सभी के घर में सीमेंट तो आता ही होगा। तो गाइस, सीमेंट तो अलग अलग ब्रांड का सीमेंट होता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो ब्रांड अलग अलग होता है, जैसे एक होता है बिरला सीमेंट, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सांगी सीमेंट, तो गाइस यहाँ आपके नाम से तो पता चल रहा है कि ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, लेकिन गाइस ये जो कंपनी है, ये करती है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप लोगों का कोई भी बिल्डिंग हो गया उसका भी प्रोजेक्ट लेती है। साथ ही गाइस, ये सीमेंट को मैन्युफैक्चर तो करती है, उसके बावजूद ये अदर क्षेत्र में भी वर्क करती है। एनसी के लिए जो हमारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस वैकेंसी में डिप्लोमा, ग्रेजुएट एंड ITI कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ जो आपका अप्लाई लिंक है, डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलिए गाइस, यहाँ सबसे पहले आप लोग जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो आप सभी को एक जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको जॉब ओपनिंग्स पे जाना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, तो बहुत सारी आप लोगों के सामने अपडेट निकल कर आ जाएगी, बट आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग जॉब सर्च करनी है। क्योंकि गाइस, आप लोग जो भी क्वालिफिकेशन से हैं, जैसे डिप्लोमा के होंगे कुछ कैंडिडेट, कुछ होंगे यहाँ पर हमारे ग्रेजुएट वाले, तो देखिए ये थर्मल पावर में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। जॉब लोकेशन आप लोग का गुजरात वगैरह दिया गया, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर चेकआउट कीजिए। देन आप लोग का सीनियर इंजीनियर का है, असिस्टेंट मैनेजर का है, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर का दिया गया है। इस वैकेंसी के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ अगर आपने 0 ईयर एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई करेंगे। आप अगर यहाँ कोई भी स्किल इससे रिलेवेंट रखते हैं, तो ज़रूर मेंशन कीजिए, जैसे लोकेशन आपका गुजरात है, और भी गाइस कई सारे लोकेशंस की यहाँ पर वैकेंसी निकली हैं, तो आप सभी उनके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी की हम लोग बात करें, तो देखिए यहाँ आपकी असिस्टेंट मैनेजर की दी गई है इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएट हो गया, यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिकल वाले। तो ये सभी फ्रेशर्स की वैकेंसी है। और भी देखिए, असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन है, परमानेंट आप लोगों का ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। ट्रेनी के तौर पर आप लोग को लगभग 1 साल तक रखा जाएगा, उसके बाद परमानेंट रखा जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंजीनियर की वैकेंसी है, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट कहलाती है हमारी, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। इससे रिलेवेंट अगर आप लोगों के पास कोई अदर यहाँ पर स्किल है, तो ज़रूर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज ग्रेजुएट वालों की, क्योंकि गाइज मेनली यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी हैं और भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, तो आपको सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जो भी आप सर्च करेंगे। चलिए हम डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, एंड सर्च पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो ये जितनी भी आपके सामने वैकेंसी देख पा रहे हैं, सभी यहाँ पर डिप्लोमा की वैकेंसी आ जाएंगी। ये प्री हीटर का आप लोग का डिपार्टमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा, ऑपरेशन का रहेगा, टर्बाइन का रहेगा, बॉयलर का रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है। यहाँ देखिए मैकेनिकल का है। तो गाइस, इस वैकेंसी के लिए आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। इसी तरीके से यहाँ आप सभी क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएट वालों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएट यहाँ पर सर्च कीजिए, तो ग्रेजुएट वालों की बहुत सारी वैकेंसी निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जाइए, और यहाँ आप लोग क्लिक कीजिए, तो बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई करेंगे ग्रेजुएट वाले। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अप्लाई फॉर दिस जॉब पर जाना है, देन आप लोगों को क्या करना है, गूगल से अप्लाई करना है। गूगल से आप लोग क्लिक करिए और इस पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखिए हमने यहाँ पर ईमेल आईडी पहले ही डाल दी थी, तो इसीलिए आप लोग का डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये रिज्यूम सेंड कीजिए आप लोग, उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जैसे ही आप लोग क्लिकेंगे, तो यहाँ ये जो बायो आप लोग का बायोडाटा है, तो बायोडाटा वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। चलिए मैं ये दिखा देती हूँ ऑन करके, रिज्यूम अपलोड कर देती हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पर रिज्यूम अपलोड कर दिया है, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे, तो आपका जो ईमेल आईडी में यहाँ पर नेम पड़ा हुआ था, वही फर्स्ट नेम में आ जाएगा, वही लास्ट नेम में। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, अपने नाम की ईमेल आईडी ज़रूर बना ले, जैसे कि किसी भी कंपनी में आप लोग जाते हैं तो अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, तो आप लोग का नाम वाला जो ईमेल आईडी होता है, वही हमेशा काम आता है। अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर जाएंगे, तो यहाँ अपना कॉन्टैक्ट वगैरह आप लोग को डालना पड़ेगा, डालने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं।
तो गाइस हमने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी डाल दिया है, अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। तो चलिए सबमिट करने के बाद क्या ऑप्शन आता है वो देख लेते हैं। तो गाइस जैसे ही हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद सबमिट करने के बाद तुरंत ही वो फॉर्म ऑफ हो गया और यहाँ फिर से वही वैकेंसी ओपन हो चुकी है। तो ऐसे ही आप सभी को यहाँ पर सबमिट करना है, देन अब लोग हम लोग जो है नेक्स्ट वैकेंसी को देखेंगे। ये वैकेंसी है आपके सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से। यहाँ एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डिपार्टमेंट मैकेनिकल रहेगा, एक्सपीरियंस 4 से 8 साल का रखा गया है। डिप्लोमा बीई, यहाँ पर बीटेक अप्लाई करेंगे और बीई और बीटेक दोनों अप्लाई करें, क्योंकि गाइस बीई जहाँ पर एलिजिबल होते हैं वहाँ बीटेक भी होते हैं। तो अगर आप बीई वाले ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हो पाते तो बीटेक वालों को हायर कर लिया जाता है। लोकेशन आप लोग चेकआउट देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेशन दिया गया है। और गाइस ये वैकेंसी जो है स्पेशली जो इंडस्ट्री यहाँ पर सांगी इंडस्ट्री का जो मेन पेज है लिंक्डइन पे, उसकी तरफ से निकाली गई है। ये नेक्स्ट यहाँ पर ओपनिंग निकाली गई है सांगी इंडस्ट्रीज की तरफ से। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, सारी चीज़ें सेम है, बस लोकेशन एंड आपका क्वालिफिकेशन चेंज हो गया है। जैसे देखिए वहाँ पर आपका डिप्लोमा बीई बीटेक एलिजिबल था, बट आप लोग का ब्रांच दूसरा था, यहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अप्लाई करेंगे और आपका लोकेशन चेंज है। तो यहाँ इस वैकेंसी के लिए ये जो आप लोगों का ईमेल आईडी दे रखा है, इस पर जाकर आप लोग अपना रिज्यूम सेंड कीजिए। साथ ही अप्लाई करने के लिए ये आप लोगों को लिंक दी गई है, इस लिंक से जाकर अप्लाई। ओपनिंग है, इसमें जो आप लोग का ब्रांच रखा गया है मैकेनिकल प्रोडक्शन रखा गया है, सारी चीज़ें सेम है आप सभी की, लोकेशन एंड एक्सपीरियंस साथ ही क्वालिफिकेशन। ओनली ऑन यहाँ पर जो आप एलिजिबल हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में केमिकल स्टूडेंट, जैसे केमिकल ब्रांच होती है आपकी बीई में होता है, डिप्लोमा में होता है एंड बीटेक में भी होता है केमिकल, तो वो ब्रांच वाले अप्लाई करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आप लोग सेम है। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दी गई है, इस लिंक से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इन सभी नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि गाइस बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आ रखी है।